दोपहर का समय है, जिसको जिसको पूजा में रहना है, मतलब पूजा में खाना नहीं खाना है, तो वो लोग अब फल पूरी खा लिए हैं, बाकी जो लोग खाना खा रहे हैं उनके लिए खाना बन चुका है। तो ये देख सकते हैं इतना बड़ा पार्सल आया है और इसमें आया हुआ है। सोच रहे हैं उसी दिन दिखाएं क्या? नहीं, दिखा देते जिस दिन फंक्शन है। इसमें जो मैं पहनने वाली हूँ वो तो फिलहाल हम आ गए हैं जी अपने साले साहब के यहाँ, और यहाँ पर जो है फूल सब अपना ले रहे हैं। तो देख सकते हैं पीछे फूल का अच्छा खासा पेड़ है, और यहाँ पर जो है अच्छा खासा अब जो है एकदम हरा भरा माहौल हो गया है। तो फूल तो इसमें ले लिया है, बाकी केला का पत्ता सब भी लेना है तो वो भी चल करके ले लेंगे। केला के पत्ता के अलावा लेना है बेलपत्र, तो बेलपत्र हमारे पड़ोस के यहाँ मिल जाएगा, कोई बात नहीं वहीं से ले लेंगे। और साथ में हमें लेना है जी आम का जो है सूखा हुआ लकड़ी, जो कि हवन में काम देगा, तो वो लिया जाएगा। तो बहुत सारा आम का जो है डाल सब कट करके जो है रखा हुआ यहाँ पर, और बहुत सूखा हुआ सब है, तो सारा आम का डंठल उठाते हैं। रुद्र भाई तोड़ भी रहे हैं, एकदम जिम का पावर दिखा रहे हैं इसमें, हैं तब दिख रहा है जिम का पावर, तब सही है भाई, टूट जा रहा है, हाँ मोटा वाला सब टूटेगा। तो चलिए सही है जी, तो अब ये सब सारा सामान सब लेते हैं, और उसके बाद पूजा का जो सामान सब है, दशकर्मा भंडार है पूजा का, तो वहाँ पर जो है लिस्ट दे दिया है, और वो कहें कि आप जो है एक घंटा में आराम से आइए, तो उनको क्योंकि सामान भी अच्छा खासा रहता है पूजा का, तो सारा इकट्ठा करेंगे। उसके बाद मिठाई लेना है, दूध लेना है, पान लेना है, सुपारी लेना है, और क्या क्या चीज़ सब लेना है सब लेते हुए चलते हैं। यहाँ पर अच्छा खासा जी डंठल है, सारा डंठल सबको जो है तोड़ा जाए, सूखा हुआ भी हमको डॉप लग रहा था कि बारिश पड़ गया है, रहेगा कि नहीं ठीक, लेकिन काम चल जाएगा इससे। दबिया है, दबिया लाओ ना, ऐसे टूट जाएगा दबिया, इतना मोटका लकड़ी सबका जरूरत होगा। हो डायरेक्ट मैं कार्टून में करके लाऊंगा। अभी दोपहर का समय है, जिसको जिसको पूजा में रहना है, मतलब पूजा में खाना नहीं खाना है, तो वो लोग अब फल पूरी खा लिए हैं, बाकी जो लोग खाना खा रहे हैं उनके लिए खाना बन चुका है। तो भैया हमें दिखाएंगे आप लोगों को क्या क्या खाने बनाए, बाकी भैया खाना निकाल रहे हैं, लगभग सारा चीज बन गया। पूजा पाठ का अभी तो हम सब करता है, तो हर बार माँ हमको लेट हो जाता है, तो माँ खाओ तब ना, मेरी माँ हमेशा कहती थी, मेरी माँ का कहा हुआ है बारह पुत्र पिता के धर्म है, खेती उपजे अपने कर ली, इसलिए माँ बाप का धर्म बढ़िया होगा तो बाल बच्चे आगे बढ़े। तो हमारे भैया भी आते हैं, आप आगे थोड़ा चले गए थे, बनवाते पहली बार आए तो थोड़ा सा आपको रास्ता कैसे पता चला? लोकेशन भेजे थे उसी से, लोकेशन से आ गए, बाद में घर में ये गए मार्केट, हाँ वो फोन किए थे कि मार्केट गया तो उधर का पार्किंग उधर ही ना कार लगा दी। हेलो करो, हेलो करो बेटा, अभी सब आ रहा है, बाकी इतना शैतानी। हेलो, तो इधर फगुनिया भी आ चुकी है, आ चुके थे, चलिए बोल रहे कि ये हम लोग आगे चले गए थे, और आगे आगे चले गए थे, सोचे कि कौन सा फिर स्काई ब्लू बोले ना, तो ये बोलिए स्काई ब्लू यही वाला घर होगा, चलिए। अरे यार खाना का सेंट आ रहा है, खाना के सेंट से समझ गई, ऐसे भी हम लोग का वीडियो में ज्यादातर खाना वाला रहता होगा इसीलिए, है ना। तो ये देख सकते हैं इतना बड़ा पार्सल आया है, और इसमें आया हुआ है मेरा ड्रेस पार्टी का, जो कि मैं सोच रही थी अगर नहीं आया तो क्या पहनूंगी, बाकी इसका सारा कुछ आ चुका है, तो इसको रख देते हैं, पहले सभी लोगों को खाना खिलाते हैं, बाद में अनबॉक्सिंग करेंगे कि सारा कुछ सही आया कि ना। और ये आया हुआ है वांटर बाज़ार से, जो कि दिल्ली का बहुत फेमस शॉप है, वांटर बाज़ार आपने देखा होगा,
कई बार मैंने वहाँ से शॉपिंग भी की है और लहंगा वहाँ का मुझे स्पेशली बहुत सारी चीज़ें वहाँ की अच्छी होती है, लेकिन लहंगा साड़ी मुझे वहाँ का बहुत अच्छा लगता है। जब मैं अनबॉक्सिंग करूँगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। बोले हम अपनी बहू के मुँह से सुने लहंगा का बहुत प्रशंसा हो रही थी, मुझे लगा कि मेरी बहू को मुझे दिला देगी। माँ तो ऐसे नॉर्मल साड़ी पहनती नहीं है, खाली कॉटन और सिल्क पहनती है, और साड़ी क्या कहते हैं लहंगा कैसे पहनेगी। लहंगा नहीं साड़ी, वैसे आपके लिए दीदी इतना सुंदर साड़ी लेके आई है। लहंगा नहीं लाना है, साड़ी लाना। माँ दीदी इतना सुंदर साड़ी लाई है, साड़ी को नहीं दीजिए। दीदी आई मेरा सौभाग्य। माँ को पहनाएंगे जब माँ का वो होगा ना 50वां साल का, उसमें कोई सामान ला करके हम छोटा नहीं बना। नहीं यार आशीर्वाद में 50वां अभी होगा ना, अभी तो हम सब लोग का सम्मान आप लोग सम्मान। लेकिन मतलब हम बोले कि माँ के लिए कोई जरूरत नहीं था, आप आई हुई बहुत है, लेकिन जो आई मेरे घर हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं, सौभाग्यशाली समझते हैं। ऐसा इवेंट मेरे घर में हुआ तो सभी लोग आए, शोभा बढ़ा रहे हैं, बस साड़ी और लहंगा और चूड़ी को आप सकते हैं। सभी लोग खाना खा रहे हैं, उसके खाने कैसा है, खाना कैसा बना सही में? आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? हम जी अभी अभी घर आए, और अभी जब घर आए तो पता चला कि हमारे राजेश भाई भी जो है आ चुके हैं, और राजेश भाई को जो हम है खुद से अटेंड नहीं कर पाए, जिस बात का अफसोस है राजेश भाई, तो माफ कीजिएगा उसके लिए। नहीं नहीं, इसके जैसा अभी सिचुएशन है वैसा काफी ज्यादा बिजी रहते सर, और ऐसा लोकेशन आप भेजे आराम से हम आ गए। चलिए तो आपको आने में तकलीफ नहीं हुआ, ये बात अच्छा लगा। मेरा बच्चा लोग भी बहुत अच्छा सा है, कोई तकलीफ नहीं थी ऐसा। अरे वाह वाह। और तो राजेश भाई के बारे में बता दे, ये अपना गाड़ी लिए कितना महीना पहले? हम 3 महीना पहले। 3 महीना पहले और अब जो है 400 किलोमीटर 600 किलोमीटर चल के चल लेते हैं, तो कॉन्फिडेंस देखिए इनका। यहाँ पे आ गया है हमारा लहंगा, तो इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। लहंगा ही आने वाला था, हम सोचते लहंगा ही आया, वो देखते हैं। जिया का जो है बिल्कुल हटबीट बन गया था, क्योंकि कल है एनिवर्सरी और आज तक जो लहंगा आया नहीं था। जिया जो है सोच रही थी कि कहीं नहीं आया लहंगा, तो क्या पहनेंगे। उसके बाद हमको भी थोड़ा सा लग रहा था कहीं लहंगा नहीं आया तो हमको खरीद के देना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा। फिर दो जगह पैसा लग जाता है ना, तो यहाँ आ गया है तो जल्दी जल्दी इसको खोला है। खरीदने को तो खरीद सकता है, लेकिन फिर स्टिचिंग वगैरह थोड़ा समय बर्बाद हो जाएगा। चल सकते हैं। और ये मैंने मंगवाया हुआ, जैसा कि मैंने बताया था कि वॉन्डर बाजार से, जो कि बहुत अच्छा शॉप है, वहाँ का लहंगा तो मैं बराबर पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अग्रवाल साड़ी सेंटर, इनका नाम है अग्रवाल साड़ी सेंटर। तो ये देखिए, मैं इसको अनबॉक्सिंग करती हूँ। हम सोच रहे हैं उसी दिन दिखाए क्या? नहीं दिखा देते, जिस दिन फंक्शन है फुल लुक में उस दिन। अच्छा फुल लुक उस दिन, तो एक बार जरा नजदीक से दिखाया जाए तो आपको दिखाते हैं। ये है जिया का लहंगा, ओपन करके अभी तो मैं नहीं दिखाऊंगी, आपको ब्लाउज का दिखाया जाएगा जिस दिन वो जिया पहनेगी। ये देखो बोलो मेरा लहंगा, जब मेरा भाई का जॉब हो जाएगा ना तब इसको कहेंगे अपनी शादी में, वो गाउन देने जॉब करने में तो अभी नहीं दिखाऊंगी, फिर आप लोगों को मजा कैसे आएगा। दीदी कैसा लगा लहंगा? पूजा बाद में बोलो, दीदी दिखाओ फिर हम नहीं अनबॉक्सिंग करेंगे। बाद में नहीं दिखाएगी, तब नहीं दिखाएंगे हम जान लो। और इसके बाद अभी जो मैं पहनने वाली हूँ वो जल्दी से ये है लहंगा, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत हल्का है। सबसे अच्छी बात क्या है, कैसा है पूजा अभी जो पहनेंगे? बहुत सुंदर। ये कौन दिया? ये रिया स्टाइल हब से लिए हुए, अगर आप लोगों को चाहिए होगा ये लहंगा तो उसका भी नंबर मैं यहाँ डाल दूंगी। इसका दुपट्टा कैसा है? दुपट्टा पे एकदम वो चुंदरी प्रिंट वाला। अच्छा ये ब्लाउज? ये ब्लाउज बहुत सुंदर है। ये क्या नीचे क्या रखी? कितना बढ़िया, कल हमको पूजा गाउन दिला रही थी एक आदमी,
एक आदमी का पैसा बचा दिए हम, काहे नहीं खरीदी था हम। ये सब वो साड़ी है, साड़ी है ठीक है। तो आप लोगों को हमारा लहंगा कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और देख पूरा नहीं दिखाइए, पूरा नहीं दिखाएंगे तो मजा कैसे आएगा उन लोगों को। ना बहुत बहुत सुंदर है, और इसका दुपट्टा भी दिखा देते आप लोगों को, ब्लाउज एकदम स्टिच। अगर आप लोगों को इस टाइम का कोई भी लहंगा चाहिए तो उनके इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हैं, और मैं उनका यहाँ नंबर भी डाल दूंगी अग्रवाल साड़ी सेंटर का। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं घर बैठे, जैसे मैंने मंगवाया हुआ है। और ये दुपट्टा है भैया, ये भी अच्छा लगा, बहुत बहुत लहंगा बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे थे ब्लाउज।